आजकल के लोग अधिकांश दुखी रहते हैं, बहुत से लोग सदैव दुखी रहते हैं। छोटी छोटी बात भी अगर हो गया तो उसे सोच करके बहुत देर तक दुखी बने रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन आज हम आपको दुखी रहने के 8 कारण बताने जा रहे हैं। जीवन में कई ऐसे कारण आ जाते हैं जिसके वजह से हम लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये 8 जो कारण हैं, अगर आपने ऐसा किया तो आप सदैव दुखी बने रहोगे, आपको सदैव दुख होगा। तो पहले नंबर में कहते हैं कि देरी से सोना और देरी से उठना, ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। आप अगर दिन भर सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले उठने का एक टाइम निश्चित कर लीजिएगा। जल्दी जो व्यक्ति उठ जाता है, जल्दी उठ कर के स्नान कर लेता है, जल्दी उठ कर के थोड़ी देर भ्रमण कर लेता है, जल्दी उठ कर के जो व्यक्ति व्यायाम कर लेता है, वो सदैव सुखी रहता है। और जो व्यक्ति देर से उठता है, देर से सोता है, वो सदैव दुखी रहता है। क्योंकि आप देर तक फ़ोन चलाते रहोगे, क्योंकि आजकल तो लोग बहुत देर तक मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक फ़ोन चलाते रहते हैं और उसके बाद ही सोने जाते हैं। जब रात में बहुत देर तक फ़ोन देखते रहोगे तो नींद भी बहुत देर से खुलेगी। 9, 10, 11 बजे सो कर के उठोगे तो आप सुबह को मिस कर दोगे, ब्रह्म मुहूर्त को आप गुमा दोगे। और देर से उठने के बाद शरीर में आलस्यता भरी रहेगी, आप व्यायाम नहीं करोगे, प्राणायाम नहीं करोगे, सुंदर हवा में घूमने नहीं जाओगे, तो दिन भर आलस्य में बीत जाएगा। दिन भर आप आलस्य में बैठे रहोगे और आपको दुख होता रहेगा। इसलिए सुखी रहना हो तो सुबह जल्दी उठने की नियम बना लीजिए। दूसरे नंबर में कहा गया, किसी के लिए कुछ करना चाहिए। जब तक हम केवल अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तब तक हम दुखी रहते हैं। आप कभी किसी का सेवा करके देखिएगा, जो सुख दूसरों को कुछ देने में मिलता है, वो सुख स्वयं के लिए करने में कभी नहीं मिल सकता। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए कभी सोचता ही नहीं, दूसरों के लिए कभी कुछ करता ही नहीं, वो व्यक्ति जीवन भर दुखी ही रहता है। और फिर कहा, स्वयं की बात को ही सत्य बताना। किसी किसी का आदत होता है, जब 4 लोगों में बैठ करके बातचीत करते हैं तो सामने वाले कुछ भी बोले, उसकी बात को टाल करके, उसके बात को दबा करके, अपना ही बात को सत्य बताने का आदत बहुत से लोगों में होता है। दूसरे जो बोले वो सब झूठ और हम जो बोल रहे हैं वो सब सत्य है, ये भी एक गलत आदत है। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, आप दुखी ही रहोगे।